श्री कृष्ण गीतावली बाल लीला राग ललित। छोटी मोटी मिसी रोटी चिकनी चुपरे के तू, देरी मैया ले कन्हैया सो कब अब हैं तात। सिगरिये हो ही खे हो बलदाऊ को न दे हो, सो क्यों भटू तेरो कहा कहेत उत जात। बाल बोल डह के विरावत चरित लखे, गोपीगण महरे मुदित पुलकित गात। नूपुर की धुने किंग किन कोकल रवु सुने, कूद कूद किलक किलक ठाड़े ठाड़े खात। तनिया ललित कटे विचित्र टैपारो शीस, मन मन हरत बचन कहे तोत रात। तुलसी निरख हर सत बरसत फूल, भूर भागी ब्रजवासी विबुध सिद्ध सिहात। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, मैयारी तू मुझे छोटी किंतु मोटी चिकनी मीसी रोटी घी लगा कर दे। मैया बोली, कन्हैया ले। श्री कृष्ण कहते हैं, उसे कब देगी? माता बोली, बेटा अभी देती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तो मैया पूरी रोटी मैं ही खाऊंगा, बलदाऊ भैया को मैं उसमें हिस्सा नहीं दूंगा। यशोदा मैया कहती हैं, क्यों रे ऐसा क्यों? श्री कृष्ण बोले, अरे भली औरत, इसमें तेरा क्या बिगड़ता है, मैं अकेला ही खाऊंगा। और यों कहकर वे इधर उधर चले जाते हैं और बालकों को बुलाकर उन्हें रोटी दिखा दिखा कर, किंतु उनके मांगने पर न देकर उन्हें चढ़ाते हैं। उनके इस चरित्र को देखकर गोपियां और यशोदा मैया मोद में भर जाती हैं, उनके शरीर रोमांचित हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने ही नूपुरों की ध्वनि और करधनी का मधुर शब्द सुनकर कूद कूद तथा किलक किलक कर खड़े ही खड़े रोटी खा रहे हैं। उनकी कमर में सुंदर कछनी है, सिर पर विचित्र मुकुटाकार चौगोसिया टोपी है। जब तुतलाकर बोलते हैं तब तो वे मुनियों का भी मन हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता तथा सिद्धगण यह देख देख कर हर्षित होते, फूल बरसाते और महान भाग्यशाली व्रजवासियों से ईर्ष्या करते रहते हैं। मन ही मन कहते हैं कि हमारे भाग्य इन व्रजवासियों जैसे नहीं हैं, तभी तो हम इस सुख से वंचित हैं।